गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने अपने चैनल पर वोकैबुलरी पार्ट के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है और हम डेली 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट वर्ड इज ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग होता है हार्ड बट इजिली ब्रोकन। ठीक है, कोई भी चीज़ वो हार्ड तो होगी बट टेंसाइल भी होगी, उसके साथ ही उसको तोड़ा जा सकता है, कड़ा किंतु सरलता से टूटने वाला। सो इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं। हियर यू कैन सी द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑन योर स्क्रीन। सिनोनिम्स देखे तो फ्रेल, फ्रेजाइल, क्रम्बली, डेलिकेट, ब्रेकेबल, वीक, तो ये कुछ सिनोनिम्स है रिलेटेड टू द वर्ड ब्रिटल। एंटोनिम्स देखे तो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल, ड्यूरेबल, सपल, फ्लेक्सिबल। तो जो ना टूटे, जो स्ट्रॉन्ग होगा, फर्म रहेगा, तो एंटोनिम्स वो सब हो जाएंगे। लेट्स सी अ सेंटेंस ऑन दिस वर्ड ब्रिटल। पर एक सेंटेंस देखते हैं, द बोन्स बिकम ब्रिटल इन ओल्ड एज। देखिए, हमारी बोन्स हार्ड तो होती है बट विद टाइम, मतलब ओल्ड एज में क्या हो जाती है कि ये कमज़ोर होने लग जाती है और टूट भी सकती है। अगर कोई बूढ़ा गिर जाए या कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो ईजिली उनकी जो बोन्स है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है बुढ़ापे में कि वो टूट भी सकती है, तो उसको हम कह सकते हैं ब्रिटल। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज केयरलेस। केयरलेस का मीनिंग होता है नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग्स ऑफ अदर पीपल। दूसरों को क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेदर्दी कह सकते हो या संवेदनशील कह सकते हो। संवेदनशील नहीं, ये संवेदनाहीन होगा। ठीक है, संवेदनशील तो एक पॉजिटिव वर्ड है। संवेदनाहीन जो इमोशनलेस होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कठोर हृदय वाले। ठीक, तो जो दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचते कि किसी को दुख भी हो रहा है, तो वो होते हैं केयरलेस। और मैंने एक चीज़ और बताई हुई है कि अपने फ्रेंड सर्कल में जो यहाँ से एक भी वर्ड सीख रहे हो, वो अपने फ्रेंड सर्कल में उसको कहीं ना कहीं आप एक सेंटेंस भेज दिया करो या फिर किसी पर भी चिपका दिया करो उस वर्ड को डेली कन्वर्सेशन में। नोट फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है तो अपने फैमिली में, अपने ब्रदर सिस्टर सिब्लिंग्स पर। ठीक है, एक सेंटेंस आप थोप दिया करो, तो उससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे ये वर्ड्स आपकी मेमोरी में। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इनसेंसिटिव, इनडिफरेंट, अनसिम्पथेटिक, जो दयालु नहीं हो, हार्टलेस, अपैथेटिक, कोल्ड ब्लडेड। तो ये सब वर्ड्स है केयरलेस के सिनोनिम्स, जिनका मीनिंग होता है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपैथेटिक है तो अनकेयरिंग, डिसइंटरेस्टेड, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सेम कोल्ड ब्लडेड की अगर बात करें तो उसमें भी क्रूअल, कोई क्रूर है, निर्दयी है, हार्टलेस है, तो यही आ जाएंगे। एंटोनिम्स देखते हैं कंपैशनेट, कंसर्न्ड, केयरिंग, सिंपथेटिक, मर्सीफुल, काइंड, सेंसिटिव, टेंडर। टेंडर मतलब सॉफ्ट। ठीक, तो जिनमें भी दया की भावना होगी और जो भी दयालु होंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे, जिनको फ़र्क पड़ेगा, या कोमल हृदय वाले कह सकते हो, तो वो सारे एंटोनिम्स इसमें आ जाएंगे। केयरलेस के ऊपर एक सेंटेंस देख लेते हैं, द मैन हु स्टॉल फ्रॉम द पुअर वॉज केयरलेस थीव। तो इसका मतलब है कि जो गरीबों का ही चुरा रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि निर्दयी थीव कह सकते हो आप, केयरलेस थीव कहोगे उसको, बिकॉज उसके अंदर इतना भी नहीं है मन में कि वो पहले ही गरीब है और उसके पास जो बचा कुछ है उसको भी तुम लूट रहे हो। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिशेवल्ड। डिशेवल्ड का मतलब होता है वेरी अनटाइडी। किसी की अपीयरेंस को, लुक को देख लेकर के हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं डिशेवल्ड। इसका मतलब अस्त व्यस्त, गंदा, मैला कुचेला, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, लेट्स सी द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स देखें तो अनटाइडी, मेसी, डर्टी, फ्राउजी, ग्रबी, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्ड, ये सब इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो अपोजिट, जो कि नीट, क्लीन होगा, टाइडी, ऑर्डर्ड, अनरिंकल्ड, ऑर्डर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। एक सेंटेंस देखते हैं, विद हिज फिंगर्स ही जिंजरली पार्टेड हिज वेट डिशेवल्ड हेयर। ठीक है, अपनी फिंगर्स से उसने बहुत ईजिली, या कह सकते हो कि स्लोली, अपने बालों को
पार्टीशन कर लिया, ठीक कर लिए जो उसके डिसेबल्ड हो गए थे, तो डिसेबल्ड हेयर्स को उसने प्रॉपरली प्रॉपर वे में ऑर्डर एक कह सकते हो कि कर लिए, ठीक है। जैसे हम अपने हाथों से बाल संवार लेते हैं, तो यही मीनिंग था इसका। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी और समथिंग टू मूव और गो फॉरवर्ड, ठीक है। बाधा या अड़चन डालना कह सकते हो, और किसी को आगे जाने से या आगे मूव ऑन करने से रोकना, तो ये चीज़ हो जाएगा इसका मीनिंग। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कर्ब, ब्लॉक, हैम्पर, रीस्ट्रेन, क्लॉग, रिटार्ड, ऑब्स्ट्रक्ट, ये कुछ सिनोनिम्स है जिनका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर लेना या लिमिट कर देना ताकि वो आगे ना बढ़ सके, ठीक है। क्लॉग का मतलब भी क्या होता है, टू ब्लॉक समथिंग या अवरुद्ध करना या किसी को अवरुद्ध कर देना, ठीक है, तो ये मीनिंग है। एंटोनिम्स देखें तो एडवांस, परमिट, अगर हम किसी को अवरुद्ध कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, तो क्या कर देंगे हम, उसको एनकरेज करेंगे या फिर हम उसको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, ये चीज़ कह सकते हो। एडवांस, परमिट, लिबरेट, कंटिन्यू, एक्सपीडाइट, एनकरेज, फैसिलिटेट, तो ये कुछ एंटोनिम्स हैं। और ये वर्ड भी, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से ये देखने हैं, ठीक है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। गॉड वॉज हिज फादर, This was his house and nothing must impede his purposes, ठीक है। कहते ना जिसका जाके रखो साइया मार सके ना कोई, ऐसी कुछ कहावत है कि भाई जिसका भगवान है तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, उसके सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज पेरिलस। पेरिलस का मीनिंग होता है हैजार्डस या डेंजरस, जिसको हम कह सकते हैं खतरनाक या जोखिम भरा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, डेंजरस, ग्रेवस, हैजार्डस, जियोपार्डाइज, रिस्की, थ्रेटनिंग, अनसेफ, वेंचरसम, इन सब का मीनिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो कोई चीज़ या फिर कोई मतलब ज़्यादा नुकसान देने वाली, डैमेज करने वाली, तो ये हो जाएंगे इनके मीनिंग्स। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसके जस्ट ऑपोजिट हार्मलेस, इनोसेंट, सेफ, इनोक्यूस। इनोक्यूस का मतलब भी हार्मलेस ही होता है। कई बार इनोक्यूस का मीनिंग पूछा जा चुका है, तो इट्स सिनोनिम और मीनिंग इज हार्मलेस, नॉन थ्रेटनिंग, नॉन हैजार्डस, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक, पैरेलस वर्ड के। इसके ऊपर एक सेंटेंस देखते हैं, सिंस द जर्नी इज पैरेलस बी श्योर टू ब्रिंग अ फर्स्ट एड किट। जैसे कि पता है कि भाई जर्नी जो है वो बहुत जोखिम भरी है, तो फर्स्ट एड किट जरूर रखनी चाहिए, तो इसका मीनिंग यही था सेंटेंस का। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।